गुजरात के वडोदरा की जीएसईबी यूनिट ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे परिणाम आने पर छात्रों और शिक्षकों ने खुशी व्यक्त की। आज गुजरात राज्य में 10वीं के परिणाम घोषित हुए हैं। राज्य में इस वर्ष अच्छे परिणाम आए हैं। वडोदरा के हरणी में ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों के अच्छे परिणाम आने पर शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों ने खुशी व्यक्त की। ब्राइट स्कूल में 96% परिणाम आने पर स्कूल के शिक्षकों, प्रिंसिपल और छात्रों ने खुशी जताई है। आज हम सबके लिए, यानी कि स्कूल फैमिली, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, हम सबके लिए बड़े ही गर्व का दिन है। हमारी स्कूल का परिणाम 96%, 250 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उसमें से 240 पास हुए हैं। तो स्कूल का रिजल्ट जो है वो 96% रहा और 250 में से 22 स्टूडेंट्स A1 ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। तो शाला परिवार की तरफ से हम सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को और हमारे पूरे स्टाफ को खूब खूब बधाई देते हैं। मैं पूरी स्कूल में फर्स्ट आई। मेरा परसेंटेज है 95.17 और PR है 99.47। आगे मैं कंप्यूटर साइंस परस्यू करने वाली हूँ, इंजीनियर बनना। पूरे दिन मैं पढ़ती थी, दिवस में 8 आवर्स पढ़ती थी। ध्रुविशा सोनी और रिजल्ट उसका 99.47% आई है और 95.17% है। प्राउड फील कर रहे हैं और उसको अच्छा भी अच्छा लग रहा है और स्कूल को भी, उसने स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया और अच्छा मेहनत। मेरा नाम है क्रिश ठक्कर और मैंने स्कोर किए 10th में 92% और परसेंटाइल रैंक है 97 और बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है और मैंने हार्ड वर्क किया है तो उसका परिणाम भी मुझे इतना ही मिला है। और मेरा पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है इसमें, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका भी बहुत सपोर्ट है। मेरी बहन जो 10th में अच्छे परसेंट से पास हुई थी, उसने भी मुझे डाउट एंड डिफ़िकल्टीज क्लियर करने में बहुत मदद की है। मैं दिन में 7 घंटे पढ़ता हूँ और अच्छा और अच्छा लाने के लिए फिर थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब 9 घंटे ऐसे पढ़ रहा हूँ। और मैंने जितना हार्ड वर्क किया था उतना मुझे रिजल्ट मिला और हार्ड वर्क करता तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। मैंने PCM लिया है और मुझे जाना है कि MBA करके CAT देके मुझे IIM में जाना है और बिजनेसमैन बनना। आज मेरा 98.74% रिजल्ट आया और आज मैं बहुत खुश हूँ ये 10th के रिजल्ट से। पूरी साल की मेहनत आज सफल हो गई। मैं उसका क्रेडिट मेरे स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। पढ़ना बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। सबका होमवर्क तो होता है पर हमको पढ़ना भी पड़ता है, तो वो पॉप अप करना और सब कुछ करना वो इजीली हो गया। मैं ब्राइट स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे 90% आया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये सब दुआओं का नतीजा है मेरे मम्मी पापा की, और भगवान ने भी हमें आशीर्वाद से नवाजा। बहुत अच्छा आया है और अब मुझे MBBS लेना है आगे। क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाएगा और गॉड को जाएगा। मेरे 99.35% है और मेरी स्कूल में मेरे 3rd रैंक है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेहनत की थी और उस हिसाब से रिजल्ट मिला। मेरे टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की थी एंड मैं उनको बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा, पेरेंट्स को और टीचर्स को। 3 से 4 घंटे डेली पढ़ता था और टीचर्स भी काफ़ी मेरे गाइडेंस देते थे अच्छा, और काफ़ी अच्छा करते थे, पढ़ाते थे। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पूरी साल जो मेहनत की वो उसमें कुछ हमें अच्छा मिला उसका रिजल्ट, तो अच्छा लगता है। मैथ्स लिया है मैंने साइंस में और इंजीनियर बनने का सोचा है कंप्यूटर फील्ड में। आज 10th SSC बोर्ड के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है जिसमें ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्रांटेड यूनिट हरनी का रिजल्ट 96% ओवरऑल रिजल्ट आया है, जिसमें A1 ग्रेड 22 स्टूडेंट्स के आए हैं और A2 ग्रेड 55 स्टूडेंट्स के आए हैं। इस साल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और A1 ग्रेड बहुत सारे विद्यार्थियों को हासिल हुआ है और स्कूल मैनेजमेंट ने उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे बुला के स्वीट्स और खिला के उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और हम आशा करते हैं कि ये जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रेड के माध्यम से, तो वो 11th या 12th अपने हिसाब से जो स्ट्रीम उनको अच्छी लगे वो पसंद करें और बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं।